नमस्कार दोस्तों, आइपैन के यूट्यूब चैनल आइपैन नॉलेज एंड न्यूज पर सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभब्रत मलिक। हर दिन की तरह आज फिर से शेयर मार्केट के ऊपर एक नया सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी लास्ट वीडियो से हम लोग ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करना स्टार्ट कर दिए थे। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो लास्ट नीचे दिया हुआ लिंक पे जाके वो पिछले वाला वीडियो हम लोग देख सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि जो लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि स्टॉक मार्केट अच्छा जगह नहीं है, वो सबके लिए हम लोग ये नॉलेज रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब पे। आप लोग जितना हो सके ये वीडियो को देखिए और नॉलेज को गैदर करते रहिए। आज का वीडियो हम लोग बनाएंगे डबल डबल कैंडल पैटर्न के ऊपर। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जैसे वीडियो आप लोग मांगते हैं वो ऐसा वीडियो जो आप लोग चाहते हैं ऐसा वीडियो का मान आप नीचे का जो बॉक्स है वहां पे लिख दीजिए ताकि हम लोग उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग ये चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों लास्ट वीडियो में जब हम लोग सिंगल कैंडल पैटर्न के ऊपर बात किए थे वहां पे हम लोग हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार और इन्वर्टेड हैमर के ऊपर बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे डबल कैंडल पैटर्न। तो पहले दोस्तों शुरू करने से पहले जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उसके लिए बोल देते हैं, जब कोई भी प्राइस जिस लेवल पे ओपन हो रहा है अगर उसके ऊपर में जाके क्लोज कर दे तो उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल, यानी कि उस दिन बुल ने उस दिन का विनर है। जिस दिन का ओपन से नीचे क्लोजिंग होता है उस दिन होता है बियरिश कैंडल, उसका मतलब कि उस दिन बियर ने प्राइस को जीत लिया, उस दिन का विनर है बियर। तो ये दोनों पैटर्न को रखते हुए डबल पिछले दिन हम लोग बात किए थे सिंगल कैंडल पैटर्न के ऊपर, आज हम लोग बात करेंगे डबल कैंडल पैटर्न के ऊपर। जब तो बुलिश कैंडल को हम लोग ब्लू कलर से और बियरिश कैंडल को हम लोग रेड कलर से डिनोट करते हैं। जब प्राइस आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड, लोअर टॉप लोअर बॉटम करके जब एक प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद वो पिछला वाला जो सपोर्ट है जब उसके आसपास पे आता है तब वहां पे आके वो बुलिश एंगल्फिंग डबल कैंडल पैटर्न बनाता है। दिखने में ऐसा ही होता है कि आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड वहां पे रेड कैंडल बनता है, नेक्स्ट दिन प्राइस उसके नीचे में ओपन होता है और लो भी पिछले वाला जो लो है उसके नीचे बनाता है और ऊपर में जाके पिछले वाला जो हाई को तोड़ते हुए नया हाई बना के नया क्लोज बनाता है। और आज का जो कैंडल बना वो कल का कैंडल को पूरा एनगल्फ कर जाता है, इसलिए ये पैटर्न को एनगल्फिंग बोला जाता है। नीचे का लेवल में होता है इसलिए इसको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से एक नया बुल रैली का शुरुआत हो सकता है। अगर आप लोग ये पैटर्न को चार्ट पे देखते हैं तो ये जो लो है, ये लो मतलब ये दोनों कैंडल का जो मैक्सिमम लो है वो लो को स्टॉप लॉस मानते हुए जब प्राइस ये हाई के ऊपर ट्रेड करेगा आप लोग वहां पे एक बाय सौदा डाल सकते हैं। ये हो गया बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। आफ्टर अ प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड मतलब जब हायर टॉप हायर बॉटम करके प्राइस कोई टॉप के आसपास पे पहुंच जाए, कोई रेजिस्टेंस के आसपास पे पहुंच जाए तो वहां पे जाके हम लोग को बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न देखने को मिलता है। कैसा होता है वो पैटर्न देखने में, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग अप ट्रेंड वहां पे एक बुल ब्लू कलर का एक कैंडल बनता है। वो कैंडल बनने के नेक्स्ट दिन प्राइस उसके ऊपर पे ओपन होता है, नया हाई बनाता है पर वहां से नीचे में आके नया लो बना के पिछले वाला क्लोज को तोड़ते हुए नेक्स्ट डे क्लोज देता है। मतलब कि आगे वाला जो कैंडल होता है उसको आज का कैंडल पूरा एंगल्फ कर लेता है, इसलिए इसको बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। क्योंकि ये पैटर्न होने के बाद यहाँ से एक डाउन ट्रेंड का रैली शुरुआत होता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो ये हाई को स्टॉप लॉस मानते हुए जब प्राइस ये लो को तोड़ता है वहां से आप एक मंदी का सौदा लगा सकते हैं। ये हो गया मेरा दो तरह का एंगल्फिंग पैटर्न, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग। नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। ये
दिखने में जनरली पहले क्या होता है, आपका ना पूरा अप ट्रेंड जब प्राइस फिर से टॉप पे पहुंचता है, सपोर्ट जो आपका रेजिस्टेंस है जब प्राइस उसके आसपास में आ जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक बुल कैंडल, बुलिश कैंडल के पेट पे रियल बॉडी के अंदर एक बियरिश जो कैंडल है उसका जन्म होता है। इसलिए ये पैटर्न को बियरिश हड़ामी पैटर्न बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से एक नया डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। पैटर्न दिखने में क्या, दिखने में ऐसा होगा कि कल का जो रियल बॉडी है, आप लोग जानते हैं कि कैंडल पे ये हो गया मेरा शेडो, अपर शेडो, लोअर शेडो, और ये है मेरा रियल बॉडी। जब ये रियल बॉडी के अंदर ही मेरा आज का पूरा जो कैंडल है उसका हाई लो पूरा बनेगा, तो इसका मतलब हुआ कि जो बुल है उसके पेट पे बियर का जन्म हो रहा है, इसलिए इसको बियरिश हड़ामी पैटर्न बोला जाता है। ये पैटर्न हम लोग को जनरली टॉप पे जाके रेजिस्टेंस के आसपास में देखने को मिलता है। इसके बाद से एक नया डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो सकता है। आप इसके हाई को स्टॉप लॉस मानते हुए जब प्राइस इसका लो को ब्रेक करता है तब तो आप वहां से मंदी का सौदा कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश हड़ामी आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड, बॉटम लेवल पे जाके सपोर्ट लेवल पे जाके एक बियरिश कैंडल के रियल बॉडी के अंदर, मतलब एक बियर के पेट के अंदर एक बुल का जन्म होता है, इसलिए ये कैंडल को बुलिश हड़ामी पैटर्न कहा जाता है। आप इसके लो को स्टॉप लॉस मानते हुए जब प्राइस इसके हाई को तोड़ेगा वहां से बाई का सौदा करा कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न है डार्क क्लाउड, ये पैटर्न भी आपको टॉप लेवल पे जाकर मिलता है जहां पे रेजिस्टेंस है। ये पैटर्न का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पैटर्न है, क्योंकि जब कल का जो बुलिश कैंडल है वो कैंडल का जो 50% है वो 50% के नीचे में जाके बियरिश जो कैंडल बन रहा है उसका क्लोजिंग होगा। ध्यान दीजिए बात को, ये जो बुलिश कैंडल बन रहा है उसका जो 50% है वो 50% के नीचे में जाके बियरिश जो कैंडल बन रहा है उसका क्लोजिंग होगा, तभी हम लोग ये पैटर्न को डार्क क्लाउड पैटर्न बोल सकते हैं। ये पैटर्न के बाद एक नया सा डाउन ट्रेंड का शुरुआत होता है। नेक्स्ट पैटर्न है नॉर्मल पियर्सिंग पैटर्न, ये भी आपको बॉटम लेवल पे सपोर्ट लेवल पे देखने को मिलता है। ये पैटर्न भी इसके तरह ही है, आफ्टर अ प्रोलॉन्ग डाउन ट्रेंड जो बियरिश कैंडल बनता है उसका जो 50% है उसके ऊपर में जाके बुल कैंडल का क्लोज होगा, तभी हम लोग जाके इसको बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल पियर्सिंग पैटर्न बन रहा है। तो पहले हम लोग को यहाँ पे क्लोज को ध्यान से देखना पड़ेगा कि इसका जो 50% लेवल है क्लोज, उसके जब हम लोग डार्क क्लाउड देखेंगे तब देखेंगे कि ये जो लेवल है इसका जो 50% है उसके नीचे में जाके इसका क्लोज हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे देखेंगे कि जो बियरिश कैंडल बना है उसका 50% के ऊपर जाके बुल कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है कि नहीं, तभी हम लोग जाके ये पैटर्न को ये नाम से बोल सकते हैं। अदरवाइज हम लोग वो पैटर्न को वो नाम नहीं देंगे, दूसरा कुछ नाम। तो आज हम लोग जाना कि बुलिश एंगल्सिंग, बियरिश एंगल्सिंग, बुलिश हरामी, बियरिश हरामी, डार्क क्लाउड और नॉर्मल पियर्सिंग पैटर्न। ये पैटर्न को हम लोग देखते हुए भी ट्रेड कर सकते हैं। चार्ट पे अगर आपको ये पैटर्न दिख जाए तो आप लोग एक जो लास्ट जो हिस्ट्री है वो आप लोगों के जाकर भी देख सकते हैं कि जब जब प्राइस पे, जब जब चार्ट पे ये सब पैटर्न हुआ है उसके बाद प्राइस का रिएक्शन क्या हुआ है। पर आप लोग ये चीज देखिएगा कि नॉर्मली ये सब पैटर्न आप लोग अगर बुलिश एंगल्सिंग देख रहे हैं तो वो उसको टॉप पे देखने का ज्यादा से ज्यादा चांस होगा कि आपको ये पैटर्न ऊपर की तरफ ही मिलेगा टॉप पे, ये पैटर्न आपको बॉटम लेवल पे मिलेगा, और ये पैटर्न भी आपको टॉप बुलिश एंगल, बुलिश हरामी आपको बॉटम पे, नॉर्मल पियर्सिंग पैटर्न भी आपको बॉटम पे और डार्क क्लाउड आपको टॉप पे मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान पे रखना होगा, ये चीज आपको ध्यान पे रखते हुए आप लोग ट्रेड करेंगे तो ट्रेड आपका अच्छा होगा और टेक्निकल के हिसाब से आपका ट्रेड जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ये जानकारी मिलता रहे, और आप लोग भी जानकारी को लेते रहिए और आगे का दिन में भी हम लोगों के साथ जुड़े रहिए ताकि अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग देख सके। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।